सब देश को बात कर रहे हैं आप, बात ही तो कर रहे हैं। 5 किलो देके भिखारी बना रहे पूरे देश को, 5 किलो के बारे वहाँ पे ले जा ला साफ डारा 5 किलो। 6 परिवार में सदस्य हैं, 5 किलो बात तो कर सकते हैं आप, ही तो कर रहे हैं आप तो गुस्सा हो रहे हैं, बता रहे हैं तो मैं ऐसी बात ही कर रहा हूँ। मोदी जी से बना रहे पूरे देश, मोदी जी से कहीं, अरे मोदी जी चले जाओ तुम, कहो जाए ना मोदी जी, मोदी क्या था ना निरहुआ, जीत गया बेईमानी करवाई उसने, बेईमानी कर रामपुर कहा जाता सपा का गढ़ था, सपा का गढ़ था वो भी टूट गया 8000 से जीत तो गढ़ है, सपा को गढ़ ही होते जा रहे हैं, बीजेपी कह रही है ऐसा था, गुड्डू जमाली नहीं था, गुड्डू जमाली भी आ गया, गुड्डू जमाली ठीक है ना, वो भी आ गया निकालेगी भाजपा को, अगर जीत जाए तो हम फांसी खाए के मर जी जा, मर जाओगे भाजपा जीत जाए तो, भाजपा जीती तो हम मुंह नहीं दिखाएंगे, ठाड़े होके जले जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी सैफई में है, सैफई के बारे में कहा जाता है अखिलेश यादव के पिता का गांव यही है और जो है समाजवादी का ये गढ़ रहा है, समाजवादी का ये गढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमेशा से इस पे जो है सपा कब्जा करती रही है। तो क्या लगता है बाबा जी, आप तो जो है भगवा वस्त्र धारण किए हैं और ये कहा जाता है जो भगवा वस्त्र धारण कर लिया वो बीजेपी का हो जाता है। देखो अखिलेश यादव के दाऊ है, अभय राम दद्दा है हमारे, बिनके हम चेला है मूर्खानंद, मूर्खानंद नगला नथू निवासी छेपई थाना जिला इटावा, और मरौली है मौजा मेरो गांव, और लचोन जाटव कद्दव प्रधान हमने कद्दव हरजन सीट आई गरीब हो तो कद्दे जाए। क्या लगता है किस बार जो है ये सीट फिर से सपा के कब्जे में जाएगी, भाजपा निकालेगी, भाजपा को अगर जीत जाए तो हम फांसी खाए के मर जी जा, मर जाओगे भाजपा जीत जाए तो, भाजपा जीती तो हम मुंह नहीं दिखाएंगे, ठाड़े होके जले जाएंगे। और जितने संत महात्मा है वो कह रहे हैं हम बीजेपी के साथ हैं, आप जो है बगावत कर रहे हैं क्या, सौ महात्मा दे दे तो हम 1000 रुपए की माला तुम्हारे डाल दे, सौ महात्मा जो है बीजेपी कोट नहीं देंगे, नहीं नहीं सौ महात्मा हमारे कहने की हम बीजेपी को, महात्मा नाराज हैं क्या बीजेपी से, क्या कहे बात का, जब बनवा दिए मंदिर काम कर रहे हैं, कोई न मंदिर न कोई मस्जिद, वो मस्जिद चुनवाए थे मुसलमान की और मंदिर बनवाते सब रुपया कितो आओ खजाने खजाने भाल लग जाए और सब भाल लाई और फिर खाटो करिए और जो कौन जी या गरीबन बांटो तो हम मान लेते मोदी। अच्छा, जो मंदिर में पैसा आ रहा है गरीबों में बांटा जाए, ये कह रहे हो, हम बता रहे कितने खजाने भरे कोठा भरे सब रुपया बांटो जाए गरीबन तहसील में सैफई आज अगले सके सब बांट दो जाए जला टावा में सब रुपया कम से कम नहीं 20 करोड़ रुपया बांट हो जाए तब जाओ गरीबी काटी है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कब जो है अखिलेश यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, अब तो मुलायम सिंह यादव की देन थी कि एक बार कैसे बन गए थे, कैसे नहीं बनी है फिर मुलायम सिंह बन जाते कहाँ से, वो पर लड़की कर रहे थे अखिलेश यादव को तो इनने नहीं करी, और जो कर ले तो प्रधानमंत्री मंत्री जी बनते प्रधानमंत्री दिल्ली जाएगी, नहीं इनने करी, हाँ नहीं मंत्री जी प्रधानमंत्री बनते जाए इकलने नहीं शादी में लगी करी, वो कौन है वो मुख्यमंत्री है लालू प्रसाद उसकी शादी नहीं करी इसलिए जी फैल हुई है। तो क्या लगता है कि अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, आपकी भविष्यवाणी के अब किधर आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है, अब किधर मेरी भविष्यवाणी जो कह रहे हैं कि 151 कुंटल लगी तो पूरी हम करे या मंत्री जी थे हम करे निजी मूर्खानंद और अब अच्छे वोटर से जीते अच्छे वोटर जीते हैं और गरीबी कटवा देंगे तैसी लगी, कह रहे थे कि अखिलेश यादव की सरकार में गुंडागर्दी थी, अखिलेश यादव जो है अपने परिवार को ही टिकट टुकट देते हैं, यादव को ही सुनते हैं, अब नहीं अब चलेंगे सब की दुनिया की बात से अखिलेश अब सब की बात, कहा जी इसमें ज्यादा गुंडागर्दी हो रही है, इसमें बीजेपी में ज्यादा गुंडागर्दी हो रही है, बीजेपी ज्यादा हो रही है, वो तो कह रहे हैं माफियाओं को हटा रहे हैं भगा रहे हैं बुलडोजर चलवा रहे हैं, माफिया जो है प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं बीजेपी वाले, लड़कियों को पता नहीं है 4-4-8 लड़की गायब है और पता ही नहीं है इनकी सरकार में, अगले सकीन कोर खटका भाई हो कोई कह दे मंत्री जी की सरकार में
और अब इधर बन जाए ताकि बात देख लियो। मोदी जी कह रहे हैं हम 400 पार हैं, 400 पार से जीत रहे हैं। आपका आप देख लीजिए, आगे चल के देख लियो, भविष्य बते। अच्छा मोदी कोटवा काहे न देबा आप? अब नहीं देंगे, काहे नहीं देंगे? अब तो आत्मा हटी है, आत्मा हटी है, आत्मा हट गई। अरे कुत्ता बिलाई, मेरे कुत्ता बिलाई भूखे मर रहे हैं, जनता भाई गरीब हो चुकी है, गरीब हो रही है। वो कह रहे हैं कि हमारे राज्य में सब संपन्न है, हमारे देश में सब संपन्न है, पूरा देश मेरा परिवार है, आप कह रहे हो कि भूखे मर रहे हैं। अगर ये तो पैसा लेंगे ये जनता दे, अब हाँ एक तो पैसा ले जाते हो मंत्री मुलायम सिंह को तो खर्च कर दो, अब पैसा लड़े जो चुनाव लड़ ले, एक तो पैसा नहीं रहो, पैसा ना रहा। हाँ इसलिए जनता कर रही है, एक रुपया दे तो एक वोट दे और जकात अब बनी, ऐसे ही जीत रहा है। अखिलेश यादव लगता है कि जीत पाएंगे, क्योंकि उनका सब साथ छोड़ रहे हैं ना। हाँ छोड़ रहे हैं, भारी भारी वोट से छोड़ गए, भारी वोट से चौधरी छोड़ गए, सब उनका साथ छोड़ के भाग रहे हैं, भारी उन पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। भारी वोट से जीतेंगे, मेरे बड़े हनुमान जी का पाए छोड़ जरा। अखिलेश यादव में कहा जा रहा है नेतृत्व की कमी है बाबा जी। नहीं अखिलेश कैसी मूर्ति भाई न हो, अखिलेश उनमें अखिलेश यादव में नेतृत्व की कमी है। अखिलेश यादव की बस की बात नहीं है सरकार बना ले। नहीं है तो सब जनता बनाएगी। हाँ। सब जनता बने। हाँ। अखिलेश ओम बकार राजभर का रहते, वो एसी में बैठे रहते हैं, एसी से जो है ट्वीट कर देते हैं, एसी में जनता के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं। नहीं कन्हैया ऐसा है, अखिलेश अच्छे बोलते थे, सब जनता लगी है और शिकर आते हैं, ऊँचो दिमाग टेंशन में हो जाते, लेकिन टेंशन में तो बड़े हनुमान जी धम जाए के तो बिल्कुल हो रहे शुद्ध हो जाए। मोदी जी के आगे सब फेल है, कह रहे हैं जाओ कोई फेल हो जाए तो परम पिता फेल नहीं है। हाँ, जा कोई फेल हो जाए परम पिता परमेश्वर नहीं फेल है श्री चंद्र भगवान। हाँ और भी सफाई में कुछ लोग हम बातचीत कर, क्या माहौल है चाचा जी? चलो करवा दे, इधर करवा दे, आप बताइए आपकी माहौल अच्छा है, माहौल अच्छा है। तो क्या लग रहा है फिर से बीजेपी ये दावा कर रही, जो बीजेपी सपा का जो गढ़ है वो तोड़ रही, जैसे आजमगढ़ तोड़ दिया और कई जिले के रामपुर तोड़ दिए। हां निरहुआ जीत गए। हां जीत गया था ना निरहुआ, अरे जीत गया था, जीत गया में बेईमानी करवाई उसने, बेईमानी कर रामपुर कहा जाता सपा का गढ़ था, सपा का गढ़ था वो भी टूट गया, 8000 से जीत तो गढ़ है सपा को गढ़ाई होते जा रहे हैं, बीजेपी कह रही है ऐसा था। गुड्डू जमाली नहीं था, गुड्डू जमाली भी आ गया। हां गुड्डू जमाली, हां ठीक है ना, वो भी आ गया हमारी पार्टी। तो पार्टी माने से क्या होता है, वो कह रहे हैं कि गढ़ को गढ़ाई बना देंगे। अरे जाओ गढ़ फड़ा तो ही गो, गढ़ को गढ़ाई बना, जनता कितनी परेशान है मालूम भाई साहब, कितनी जनता परेशान है। अरे लोग कह रहे हैं 5 किलो राशन मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रहा है, अरे भिखारी बना दिया है, बातें कर रहे हो किंतु में तुम लोगों ने, किंतु में तुम लोगों ने, किंतु में बना रहे पूरे देश को। अरे काहे भैया इतना गुस्सा रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ, बात बना रहे हैं सब देश को, बात कर रहे हैं, बात ही तो कर रहे हैं, 5 किलो दे के भिखारी बना रहे हैं पूरे देश को, 5 किलो के बारे वहाँ पे ले जा साहब डाल रहा 5 किलो, 6 परिवार में सदस्य हैं, 5 किलो बात तो कर सकते हैं आप, ही तो कर रहे हैं, आप तो गुस्सा हो रहे हैं, कहीं बता रहे हैं तो मैं ऐसी बात ही कर रहा हूँ, आप गुस्सा रहे हैं, मोदी जी से कहीं बना रहे हैं पूरे देश, मोदी जी से कहीं, अरे मोदी जी चले जाओ तुम, कहो जाए ना मोदी जी, वो मोदी जी काहे गुस्सा हो रहे हैं, अरे चलो चलो चाचा जी काहे गुस्सा हो रहे हैं मोदी का नाम लेके, मोदी जी तुम कहो जाके हम कहीं जाए, तो मोदी जी सरकार में तो किससे कहेंगे सर भैया, कहाँ बोलिए मोदी का नाम ले गुनाह है क्या? अरे गुनाह है कछु हो, क्यों चाचा जी सैफहीम नाम लेना गुनाह है क्या मोदी जी का? इस देश में लोकतंत्र नहीं है? वैसे तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि गुंडागर्दी नहीं है, आपके यहाँ आए हैं हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोग उलझ रहे हैं, मीडिया पत्रकार बंधुओं से बसलूकी कर रहे हैं, ऐसा बताइए ये लोकतंत्र है? नहीं, नहीं। आप जो जितने सपा के लोग होते हैं लोकतंत्र की बात करते हैं, कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ आप मुझसे बसलूकी कर रहे हैं? नहीं नहीं लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या हो रही है, सही है, आचरण से कांड देख लिया आपने, लड़की जिंदा जलाई गई थी ठीक है ना, कानपुर में 2 लड़कियों बलात्कार हुआ है, लड़कियों ने फांसी लगाई नहीं लगाई थी ठीक है ना, और जो बदायूं में कांडा भी हुआ है, हुआ ना, हुआ है आपके सामने की बात है, बदायूं हुआ है उसका क्या हो गया जावेद का और बगल साजिद का है, साजिद मान ले काउंटर कर दिया, कोई उससे पूछा है क्यों तुमने बच्चों को मारा, क्यों नहीं मारा है? तो जाम गुंडागर्दी कम हो रही है भाजपा में बताइए आप, मतलब भाजपा में भी उतनी गुंडागर्दी है? सपा में नहीं थी जितनी भाजपा में हो रही है इस टाइम, सपा में नहीं थी इतनी, नहीं थी इतनी, नहीं थी, नहीं थी। हाँ
क्यों सपा में जो है गुंडागर्दी नहीं थी? नहीं थी। ये सफाई में है, अखिलेश यादव का गांव है इसलिए बोल रहे हैं या दिल से बोल रहे हैं? आप बताइए, मोदी सरकार में पेट्रोल कितनी सस्ती जब कांग्रेस सरकार थी? 70-75 रुपए जीती थी, अब कितनी 100 के पार चली गई है। डीजल कितना हो गया है, जिससे वो एलपीजी गैस कितनी हो गई है, आप बताओ कितनी महंगाई हो गई है। इसमें कौन सरकार में क्या फायदा, ये बताओ। लेकिन जनता तो हम मोदी जी को पसंद कर रही है ना, जनता मोदी जी को नहीं, जो ईवीएम होता है उससे वोट बताओ। यहाँ पे 5,000 से वोट, यहाँ पे जो इसकी दिव्यापुर की सीट है वो भी हरा दी जाती थी, तब सहपाल अगर ना पहुंचते वहाँ तो सीट हरा दी जाती थी। वोट बहुत बेईमानी करते है भाजपा सरकार, ठीक है, मतलब बेईमानी हो रही है। हाँ, बेईमानी हो रही है। जहाँ जीत जाते हैं वहाँ नहीं बेईमानी होती, आप लोग ये कहना। अरे दो चार सीटें जिता देते हैं, मतलब पूरा खुल के ना आ जाए वो, दो चार सीटें। हाँ, तो अखिलेश यादव जो है अपने दम पर एक बार भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, वही एक ही बार जो पिताजी ने गद्दी सौंप दी थी वही बन गए थे। तो अभी ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि एसी वाले नेता हैं जो ट्वीट ट्वीट खेलते रहते, क्या लगता है अखिलेश यादव नेतृत्व की कमी है? अखिलेश यादव नेतृत्व की कमी, कोई नेतृत्व की? ओम प्रकाश राजभर तो घोषणा बहुत दावा कर रहे थे सीधे आ जाएंगे, कितने वोटों से आ रहा था वो चौहान था, वो कौन सा संजय, कौन से कौन चौहान था वो, दारा सिंह चौहान, वो 45-45 हजार वोटों से आ रहा था, वो नहीं आ रहा था। बताइए, लग रहा है अखिलेश आप तो भैया बात करने से पहले ही गुस्सा गए। अरे हम बहुत दूर के रहने वाले हैं, सैफई के थोड़ी ना है, आप सैफई के नहीं हो? अरे हम बहुत दूर के। हाँ, तो क्या चाचा जी आप भी बात नहीं करोगे? नहीं नहीं। हाँ, क्यों ऐसा क्यों अखिलेश यादव ने मना कर दिया क्या? कोई किसी ने कुछ मना नहीं कर दिया, किसी के दबाव में नहीं है, मतलब आपको बात ही नहीं करना? बात ही नहीं करनी ना, मैंने कभी की है। हाँ, आपकी जो हो रही है आपकी फॉर्मेलिटी पूरी करिए। हाँ, बस ये सामने से हटा लीजिए। हटा ले जाते जी। हाँ, तो देख सकते हैं किस तरह से हम सैफई में थे और जानने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर जो है चुनावी माहौल क्या है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।